के पावन अवसर पर तीसरे दिन भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ, गौरवान्वित हूँ और एक युवा होने के नाते जो मोदी जी का विजन 2047 नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा बीजेपी परिवार जो विजन, उनका जो सपना है देश के लिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं दिल में हुआ कि हमको भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना सिर्फ देश के लिए कुछ करने की भावना है दिल में, उस नाते आज यहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ हूँ और विश्वास दिलाता हूँ हमेशा ईमानदारी से 15 साल तक जो भी जहाँ पे मैं था, जो काम मुझे दिया गया दिल से काम किया, कहीं दिमाग नहीं लगाया, जो भी हुआ पास्ट में मैं नहीं जाना चाहूँगा, अब नई इनिंग आज शुरू कर रहा हूँ पॉजिटिविटी से, जो भी काम दिया जाएगा देश की विजन के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो काम मैं दिल से करूँगा। साथ ही कई सवाल ये आते हैं कि 15 साल और मेरे पिताजी 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, हर बार सवाल उठाए जाते थे, हम भी प्रवक्ता थे, हम भी उठाते थे, पर जब आदमी खुद उस चीज में से निकल रहा है तब ये होता है कि सिर्फ लालच से आदमी नहीं छोड़ता, जब स्वाभिमान की बात आती है, हम जैसे लोग राजनीति में कुछ लेने नहीं आए, हम सेवा करने आए। मैं सालों से बचपन से आई हूँ सेल्फ मेड में, मैंने खुद ने मेरा बिजनेस किया, एक परिवार से, एक व्यापारी परिवार से, कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि कह जाए कि चवन ने भी पॉलिटिक्स से, कभी हमने वो अपेक्षा नहीं रखी, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ देना है, पार्टी को कुछ देना है, 40 साल से मेरे पिताजी हो या 15 साल से मैं हूँ, ये सब लोग जानते हैं जो भी हमारे करीबी हैं, कुछ अपेक्षा के बिना पार्टी में दिल से काम किया। पर जब ये लगने लगा कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा की हम बात कर रहे हैं और विचारधारा के दो मुख्य बिंदु, कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी के मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगी, हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे, आज मैं सैनिक था करता था पर मन से दुख होता था कि ये क्या करते हैं, आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, मुझे नहीं जाने की कोई बात नहीं। तो जब तक विरोधाभास रहेगा विश्वसनीयता नहीं रहेगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लास्ट 1.5-2 साल में, मैं किसी आज व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगा, पर जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है, जो हमारे एक है जो एक जिनके नाम में राम है वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए, देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया और उसमें देश विरोधी ताकतों को जुड़ा गया, जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए, इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने आप जाता है, नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए, जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे कितने विरोधाभास, मैं आपको बोले अपने विरोधाभास नाम करने को तैयार, हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं देश के खिलाफ, कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं, कल ये कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा देंगे, आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जांपल के, जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा कैसे देश आप पे भरोसा करेगा, और आप आपकी गाड़ी पीछे के मिरर में देख के नहीं चला सकते, आपको फ्रंट देखना पड़ेगा, कौन सा विजन है। आज जब मोदी जी बात करके 2047 में हाइड्रोजन मिशन की बात करें, वंदे भारत की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, कौन सा विजन। मैं भी युवा हूं, मैं यहाँ पे राजनीति में कुछ देने के लिए आया हूं, अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो याद होगा। तो विनम्रता से मैं किसी व्यक्ति का टिप्पणी में, जिस पार्टी ने 15 साल मुझे मौका दिया मैं नहीं करूंगा, पर कहीं ना कहीं जो दिशा विहीनता के कारण, जो उनकी विश्वसनीयता चली गई है विरोधाभास के कारण, उसके आज ये मैं निर्णय ले रहा हूँ, बात खत्म, नेगेटिव बात नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी दिल से निभाएंगे, दिमाग से निभाएंगे, और राष्ट्र निर्माण में जो भी योगदान होगा एक भारत देश के नागरिक के नाते, ये योगदान युवा होने के नाते दिल से इस योगदान को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।